और मैं एज यूजुअल अपनी जगह पे आ गया हूँ, मैडम बना रही है खाना, मैं कंपनी देने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। थोड़ी जगह गंदी थी यहाँ पे, बट कोई नहीं, मैंने उसको साफ करके बना लिया ऐसे ही। आज इतना तामझाम था, तो रेसिपी मेरी नहीं थी तो मैं थोड़ी ऐसी हो गई थी, और इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स गए हैं। देखो ये आज क्या बन रहा है, ये है स्पेशल चिकन धनसक। चिकन धनसक बोलते हैं इसे, बहुत ही स्पेशल। अब बेसिकली एक मील हो गया आपका, ये अपने आप में एक मील है, क्योंकि इसमें दाल भी है, इसमें सब्जियां भी है, इसमें चिकन भी है, सो इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। आप लोग बहुत वक्त से पूछ रहे थे, कई लोग बहुत वक्त से पूछ रहे थे कि हम किसके पास जाते हैं, कौन हमारा डाइटिशियन है, कौन हमारे डॉक्टर हैं जिससे हम कंसल्ट करते हैं, हम डाइट करते हैं। हमेशा बोलते हैं हम भी डाइट करते हैं, हम स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गए हैं, हम मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा। तो हम भी वो करते हैं कि नहीं करते हैं, हम भी वो करते हैं, हम भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं और डाइटिशियन जो डॉक्टर दोनों हैं। मैं तो इनके पास 2012 जब मैं सिमर कर रहा था, मैं तब से जा रहा हूँ। खैर, पहले मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर सरिता दावरे, और ये मतलब मैं अगर आपने कुछ लोग को शायद मुझे याद होगा जिन्होंने SSK 1 देखा होगा पहले वाला, तो 2011 की जब शो शुरू हुआ था उस टाइम की मेरी फोटो आप पहले देखी है, ये गुल्लू गुल्लू शो है, ये देखा। तो उस वक्त मैं ऐसा हो गया था, मैं अराउंड 100 था, 98-97 के आसपास मेरा वेट था। सेट पे किसी ने बताया है कि आप डॉक्टर दावरे के पास जाओ। सो एक्चुअली शी इज अ डॉक्टर, तो आप बहुत सेफ तरीके से अपना वेट लूज करते हो। तो वही था कि वेट लूज करने के बहुत सारी थियोरीज मार्केट में है, लेकिन एक सही तरीके से वेट लूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए हम इनको लेके थोड़े कन्विंस हुए जब हमने ये सुना कि ये डॉक्टर है, ये कोई डाइटिशियन सिर्फ नहीं है। सुशी, इनका क्लिनिक है। मैं तो उनसे बहुत डरता हूँ। हम दोनों वो इतनी पर्टिकुलर है अपने ट्रीटमेंट को लेके। आप अगर उनके पास जाएंगे, पहले आपका ब्लड टेस्ट, पूरी बॉडी के वाइटल्स मांगते हैं, क्या कम है, क्या ज्यादा है, कैसा है, क्या है। उसके बाद फिर आपका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, चीजें शुरू होंगी, डाइट शुरू होगी, तो उसके बाद वो इतनी पर्टिकुलर होती हैं अपनी चीजों को लेके कि उनको पता है कि भाई मैं ये डाइट दे रही हूँ आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट अभी इस हफ्ते 80 है, तो ये इस हफ्ते की डाइट है, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, तो ये इस हफ्ते की डाइट है। ये हफ्ते अगर आप ये डाइट एग्जैक्टली वैसे करोगे तो नेक्स्ट वीक आपका 80 से 77 या 76 आएगा, और वो आता है। और अगर नहीं आया तो मतलब आपने चीटिंग करी है, ऐसा। और वो मैम पकड़ लेती है, मतलब अगर आप किसी दिन कम भी सो के जाओ ना, तो वो अगले दिन बोलेगी गुड मॉर्निंग, नींद नहीं हुई, अच्छा, गुड मॉर्निंग, वॉक नहीं हुई, अच्छा, वो तुरंत पकड़ती है। तो आप उनसे, पहली चीज तो आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। दूसरी चीज, ये जो आपको डाइट प्लान दिख रहा है, इसके साथ और बहुत सारी चीजें वो देती हैं, खाने को नहीं, खाने को नहीं, हाँ। लेकिन जैसे मल्टीविटामिन्स हो गया, देन देयर्स वाटर इनटेक, देयर्स ग्रीन टी, देयर्स वॉलनट है, बादाम है। तो आपकी, आप इनके साथ जब आप वेट लॉस करते हो तो एक हेल्दी तरीके से करते हो। एंड मुझे ऑलमोस्ट 2012 से आप ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए हैं। और तब जब मैंने एक बार किया था, और तभी से मैं इनको हर साल में एक बार तो मैं इनके पास जाता हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से बहुत सही कर देती है, पूरी डिटॉक्स कर देती है, हेल्दी कर देती है। हम दोनों ये मतलब कोशिश करते हैं कि साल में एक बार जरूर करेंगे, ताकि हम इंटरनली हम अच्छे हो जाए, इंटरनली हम लोग फिट हो जाए, हमारे वाइटल्स करेक्ट हो, हम जो है इनके हाथों में बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं। और बस अभी आपने फर्क भी देखा होगा कि 4 दिन पहले जो हम जाना स्टार्ट हुए थे और अभी में काफी फर्क है, श्रिंक है। तो यस, बस ये है। और अभी हमारा बन रहा है खाना, अभी खाना बन जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। पापा खाना खा चुके हैं, अम्मी पापा खाना लेके आई थी, पापा और अम्मी दोनों अभी बैठ के KBC देख रहे हैं। आपको आवाज भी आ रही होगी, फेवरेट है। आज तो तारक मेहता की टीम आई है। ओ, आज तो मुझे भी देखना है। अरे उसका प्रोमो बहुत क्यूट था। सैलेड ये है, टमेटो स्प्रिंग अनियन रायता। मुझे लगा सैलेड है, रायता नहीं खाऊंगा मैं, खाना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करो ना, मेरे लिए दही अलग निकालो, मैं दही खा लूंगा। यार पर एक चीज देखो, दही रायता में दही मिली है, अगर मैं दही अलग खा लूं तो क्या दिक्कत है उसमें? तो फिर मैम ऐसी रेसिपीज बना के स्पेशली क्यों देती हैं? इसका कोई रीजन होगा ना, फॉलो करो तो पूरा करो, तुम ही बोलते हो ना। ठीक है, खा लेंगे यार, रायता कभी नहीं खाता। चलो उतरो, चलो अभी मुझे रायता बना के लाने दो।